जहां पानी ज्यादा आया हुआ है उन पिंडों का दौरा करके इन तीनों इलाकों में मैं जाऊंगी। शाह बीबा हरसिमरत कौर बादल जो साडे केंद्रीय मंत्री ने पर कदे कदे अजिहा कारनामा कर देंदे ने जिस तो बाद टीवी चैनलों से दो तीन दिन लगातार सुर्खियों च बने रहते हैं, पर अपनी आलिशान अंग्रेजी करके पूरे सूबे च उन्हां वल्लों वाहवा भी खट्टी गई सी। मैडम जी सड़क पर खड़े होकर डीसी नूं फोन लगाउंदे ने ते कहंदे ने पिकटोआ इन द सड़क। अंग्रेजी की क्लाइंट सारे चैनलों वालों वार बार दिखाई गई, पर हुण एक बार फिर हरसिमरत कौर बादल चर्चा च आ गई है। इस बार कारण बनी है उन्हां दी हिंदी भाषा। पहले फिलौर दा, उहदे बाद सुल्तानपुर लोधी, फिर शाहकोट के कुछ पिंडों में भी मैं जावांगी। जहाँ जहाँ पानी ज़्यादा आया हुआ है उन पिंडों का दौरा करके इन तीनों इलाकों में मैं जाऊँगी, शाहकोट, सुल्तानपुर लोधी और फिलौर। मैडम क्या समझते हैं कि जो ये हड़ आए हैं, लोग कह रहे हैं कि भाखड़ा मैनेजमेंट जो बोर्ड है उसकी थोड़ी सी गलती है क्योंकि पानी स्टोर करके रखा गया था, एकदम से सारा छोड़ दिया गया, विरोधी पार्टियां वाले ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि जिस सरकार की जिम्मेवारी होती है कि बरसात के टाइम में पानी आएगा उसके लिए आपको ग्रांट दी जाती है कि आप अपनी ड्रेन साफ कराएं, आप अपने बनों को पक्का करवाएं और मजबूत कराएं। मेरा ख्याल ये तीसरी बरसात है, लेकिन इस सूबे की सरकार ने पंजाब में इतने गांव से सब में आप पूछ लीजिए, कोई ऐसा गांव नहीं जहां पे बन मजबूत कराया गया, कोई ड्रेन सफाई करी गई। यहां तक कि बादल साहब 6-6 महीने पहले सारे डीसीज को बुला के मीटिंग करते थे कि बताएं कि आपके यहाँ पे बरसात के पानी के लिए कहाँ पे सफाई की जरूरत है, कहाँ पे बन पक्का करना है, और 3 महीने पहले उनको पैसे दे दिए जाते थे और फिर पूरी मॉनिटरिंग होती थी। मैं आपसे पूछती हूँ, पिछले 3 सालों में 2.5 सालों में बताइए जे आज तक भी किसी एक भी मीटिंग को बुलाया गया है? और कुदरत की कहर और निकम्मी सरकार की नलैकी के कारण आज गरीबों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उनकी कमाई का सारा साधन, जो फसल जिससे उन्होंने आगे की अपनी आमदनी, अपना घर बार चलाना था, वो फसल भी खराब हो गई। जो तिनका तिनका जोड़ के अपना घर बार बनाया था, उधर अपने खाने पीने का, घर का दो कुछ समा था, वो घर भी रोड़ गए और उनके पशुओं का भी नुकसान हुआ। सीधा और सीधे तौर से मैं कह सकती हूँ कि जे सरकार ने अपना फर्ज अच्छे से अदा किया होता, क्योंकि हमारे समय 10 साल हम भी इधर रहे, कुदरत की कहर को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सरकारों का काम होता है कि आप वहाँ पे मौजूद हो। मैं आज भी पूछती हूँ, कौन सी इमरजेंसी मीटिंग करी है मुख्यमंत्री साहब ने? कल जब पता लगा सुखबीर जी आ रहे हैं, मैं आ रही हूँ, तो हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में हवाई सर्वे करके अपने 4 चहेतों के साथ फोटो निकाल के कौन सी इमरजेंसी की मीटिंग कराई है? कोई नंबर तक भी जारी किया जहां कोई पीड़ित फोन करके अपनी तकलीफ बता सके? सो एक देखिए, केंद्र सरकार अपना काम करेगी, लेकिन केंद्र सरकार तक कोई पहुंच करे? आज मैं यहां पे आई हूं, मुझे किसी ने कहने की, किसी ने परसों चिट्ठी लिखी है। मैं पूछना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार का जो NDRF हर एक सूबे को मिलता है, 450 करोड़ आपके पास पड़े हुए हैं केंद्र के, वो कहाँ पे आपने जारी किए हैं वो तो बताइए? और मांग रहे हैं, लेकिन जो है उसको कहाँ आपने दिया है, वो क्यों नहीं दे रहे लोगों को? आज मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मैं पूछना चाहती हूँ कि चिट्ठी लिख के इतना बड़ा कहर यहाँ पे है, इतनी बड़ा नुकसान हुआ है, आप सिर्फ कल एक चिट्ठी जारी कर रहे हैं? वैसे तो जब निजी कोई आपको काम होता है, अपने केस ठंडे बस्ते में डलवाने हैं या अपने
मित्रों को वीजा दिलवाए तो उधर जाके बैठ जाते हैं। अब जब लोगों को जरूरत है तो ना लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं ना लोगों के मुद्दे लेके वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन चलिए, जो मैं यही कहूंगी कि इस मुश्किल के समय में मैं पंजाब के लोगों को अपील करती हूं, अपने पार्टी के हर एक वर्कर को अपील करती हूं कि जिन बेचारों के आमदन का साधन उनकी फसल उजड़ गई, उनके घर बार से भी वो रह गए, उनके पशु भी चले गए, सोचिए कि उनका भविष्य कैसे का लग रहा है। और अपनी तरफ से जो भी आप मदद कर सकते हैं, छोटा मोटा योगदान जितना पा सकते हैं, आज ज़रूरत है कि हर एक पंजाब का वासी अपने भाई बहनों की मदद के लिए आगे आए। मैं तो यही अपील करूंगा। दरअसल लंगे दिन बीबी बादल जलंधर के हड़ प्रभावित खेतरां दा दौरा करन गई सी, जिस दौरान पत्रकारां नाल गलबात करदे आं उन्होंने अपनी यह भाषा की वरतों की। ब्यूरो रिपोर्ट, रोजाना टाइम्स।